परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ रही है, उसी त्यों त्यों आपकी पढ़ाई की भी रफ्तार तेज गति से बढ़ रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा बड़ा प्रश्न आपके सामने आता होगा कि सर किस नोट से पढ़ी जाए, कौन सी किताब पढ़ी जाए। तो आज मैं पर्यावरण के लिए आपके एक यह भी कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ कि आपको किस किताब से पढ़नी चाहिए और कौन सी नोट्स बेहतर होगी। तो पर्यावरण के लिए सबसे पहली बात, आप NCERT किताब एक बार जरूर पढ़ लें। लेकिन मैं जो आपको किताब सजेस्ट करूँगा वो किताबें पूरी तरह से निःशुल्क मिलेगी। वह किताबें आपको आपके नज़दीकी प्राथमिक विद्यालय मिल जाएगी जो जूनियर कक्षाओं में पढ़ाई जाती है। मैं वो किताब आपको दिखाना चाहूँगा, वह किताब यह है। यह किताब आपको वहाँ से निःशुल्क तौर पर मिल जाएगी। अगर आपका कोई चित पर्ची तो वहाँ से ले लीजिए, इसकी प्रिंट आउट करा लीजिए। यह किताब आपके लिए सबसे बेस्ट है और मैं आपसे एक बात रिक्वेस्ट करूँगा, इस किताब को एक बार आप जरूर पढ़िएगा। देख रहे हैं ना, ये सरकारी किताब है और यह राज्य सरकार की है। और इसके साथ साथ आप NCERT की भूगोल कक्षा 6-7-8 की पूरी पूरी तैयार करने के बाद अगर इस किताब को पूरे पढ़ लेते हैं तो आप पर्यावरण में 30 में 25 तो हर हाल में करके आएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं ना कहीं इन्हीं से आधार बनाकर पूछे गए हैं। और आपकी भी ये लगातार पूछते सर कौन सी किताब से पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, कब पढ़ा जाए, तो उसका जवाब आप एक किताब अकेले में दे देगा जो केवल 14 अध्यायों में बटा हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, इस किताब को तो मैंने एक बार पूरा पढ़ लिया है। देखिए 13 अध्याय, लेकिन 14 अध्याय, 4th अध्याय जो है पर्यावरण संदर्भ है, उस प्रकार इसमें कुल 13 अध्याय है। इसका जो पहला है इसको आप कहते हैं शिक्षण के परिणाम, या भी प्रश्न आपके UPTT में पूछे गए हैं। इस किताब को एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं इसके अलावा भी आपको कोई नोट्स चाहिए तो नोट्स भी हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये नोट्स अपने आप में पूरी तरह से परिपूर्ण है। इसकी मोटाई काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, कुछ पेज का ही है, लेकिन ये नोट्स अपने आप में एक शक्तिशाली हथियार के रूप में काम करता है। क्योंकि पिछले वर्ष में आपको पता होगा मेरे नोट्स से सबसे ज़्यादा प्रश्न फंसाए गए थे, और ये नोट्स आपके कोई अग्रज हो या जो इसके पहले मेरी नोट्स लिए हों, जिनको मेरी नोट्स मिली हो उन्होंने पढ़ा होगा, तो इस नोट्स की कीमत वास्तव में जानते होंगे कि ये पर्यावरण के नोट्स को मैंने कैसे बनाया और कितनी मेहनत से बनाया। पिछली बार के बाद इस बार जो नोट्स था उसमें काफ़ी संशोधन किया गया और ये टाइपिंग करके आया है। अभी कुछ इसमें गलतियाँ जिसको अभी सुधारना है, और सुधार करने के बाद यह नोट्स आपको मिल जाएगा। यह नोट्स केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट बिंदुओं को लेकर ही बनाया गया। और सबसे बड़ी मेरे लिए गर्व की बात है कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान को इस नोट्स की, इस पतले से नोट्स की जरूरत होती है पर्यावरण के लिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि दुर्गेश सर के जो नोट्स होते हैं वो वास्तव में काबिल तारीफ होते हैं। इसलिए आपको भी यदि लगता है कि हमारे नोट्स आपको चाहिए, आपको पढ़नी चाहिए, तो आपका मोस्ट वेलकम है। और साथ ही साथ आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं जहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लासेज नोट्स, क्योंकि नोट्स आपको PDF फॉर्मेट नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग उसको जो चीज़ें फ्री मिलना शुरू हो जाती है, जो व्हाट्सएप पर दौड़ने लगती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वास्तव में इसके नोट्स को बनाने के लिए कितना दिन रात बर्बाद हुआ, इसको टाइप कराया गया, संशोधन हुआ, फिर आप तक पहुंचेगा। इसलिए नोट्स आपको हार्ड कॉपी मिल पाएगी, आपके घर तक मिल पाएगी स्पीड पोस्ट के माध्यम से, और यह 31 जुलाई से प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ठीक है, तब तक के लिए आप ऑनलाइन क्लास अगर ज्वाइन करते तो आपको ऑनलाइन क्लासेज नोट्स PDF फॉर्मेट में, और साथ ही साथ आपको सभी प्रैक्टिस सेट आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। और ऑनलाइन क्लास के लिए 2 फीसें निर्धारित की गई हैं, 2000 और 3000। 2000 में केवल आपको कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा, सभी नोट्स दे दिया जाएगा और आपकी बैचेज कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने 3000 रुपये लेकर परचेज किया उनको ऑनलाइन क्लास तब तक मिलता रहेगा जब तक परीक्षा पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती, और परीक्षा के एक दिन पहले तक सभी ऑनलाइन क्लासेज उनको मिलती रहेगी और ऑनलाइन नोट्स मिलते रहेंगे और प्रैक्टिस सेट लगातार मिलते रहेंगे। मजबूरी यह है कि हम तो पूरी तरह से फ्री में देने के लिए तैयार थे, लेकिन आप अगर हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम बिना सपोर्ट के आपके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कि मेरे पास 13-14 स्टाफ ऐसे हैं जो दिन रात आपके लिए काम करते रहते हैं, उनको पेमेंट हम कहाँ से करेंगे? क्योंकि ऐसा तो नहीं अगर आप मेरा काम करें 12 घंटे तो आप निःशुल्क करेंगे, उनको तो चाहिए। यहाँ पर आप हमें दें या ना दें, उसके साथ साथ रूम रेंट, बिजली बिल, नेट, वाईफाई खर्च, ये सब कहाँ से आएगा? आप अगर थोड़ी सी मदद कर देंगे तो मैं भी एक छोटा सा कमरा बनवा लूँगा। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैं बनवाता हूँ पसीना टपकता रहता है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो, देख रहे हैं ये पूरी तरह से। लेकिन बस ये है कि आपके लिए कुछ बेहतर करना है, इसलिए हम लगे हैं, और आप भी अपना बेस्ट दीजिएगा। और नोट्स के लिए मैं आपको बार बार सजेस्ट करूँगा कि आप NCERT SCERT पढ़िएगा, कि मेरे नोट्स वहीं से बनाए जाते हैं और सारे कलेक्शन जो प्रश्नों का मैं करता हूँ वहीं से करता हूँ। माने ये नहीं रखता आप कितना पढ़ते हैं, माने ये रखता कैसे पढ़ते हैं। इसलिए आप जब भी पढ़िएगा इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि प्रश्न कहाँ से बनाए जाते हैं, और उसको भी कलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यह नोट्स आपके रामबाण की काम करेगा। क्योंकि इस नोट्स को आपको कम से कम 15-20 बार पढ़ने, बहुत कम पेजेस के हैं, नोट्स की वैल्यू तो वही होती है कम पेज क्यों, लेकिन इस नोट्स को पढ़ने के लिए, बनाने के लिए कम से कम मैंने 15-20 किताबों का सहारा लिया, तब जाकर ये पतली सी नोट्स तैयार हुई है जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। यदि आपको बेहतर लगता है तो आप ऑनलाइन क्लास पे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, नोट्स आपको घर तक दिया जाएगा। जिसको कुछ लोग ऐसे हैं जो अन्य कोचिंग में पढ़ते हैं, अन्य जगह नोट्स उनको मेरी पढ़नी है, तो ऑनलाइन अपने घर तक मंगा सकते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे उनको
लिए फॉरवर्ड मिल भी जाएगा, लेकिन और अन्य लोगों को नहीं मिल पाएगा। कारण क्या, लोग इसका मिसयूज करते हैं। हम नहीं चाहते जो इतनी मेहनत से पढ़ाया गया है, मेहनत से बनाया गया है, उसका कोई मिसयूज ना कर पाए। इसके लिए आप सभी को हम ये कहेंगे कि इस वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुँचे। हो सकता है वीडियो आपके काम का ना हो, किसी और साथी के काम का होगा। और आप भी प्रयास करिएगा, अगर आपको मेरे नोट्स नहीं है, इस किताबों से जो हम आपकी किताब दिखा रहे हैं, इस किताब से कक्षा 7 का NCERT की भूगोल, उस पर उसका भी नाम भौगोलिक पर्यावरण लिखा गया, उन सभी को एक बार आप पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका UPTET में पर्यावरण में कोई रोक नहीं सकता। और मार्केट की कोई किताब मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट किताब सब केवल इतने ज़्यादा और सिलेबस के अकॉर्डिंग बना दिए गए हैं कि आदमी पढ़ते पढ़ते हराम हो जाएगा। लेकिन आवश्यकता यह है कि इतना पढ़ना माने नहीं रखता, माने यह रखता है क्या पढ़ना। इसलिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं अग्रिम आगामी परीक्षा के लिए। आप इस वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत।